सलाम अलैकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आइयो आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज माशाल्लाह जबरदस्त हेल्थी माशाल्लाह सैलड की रेसिपी लेकर आई है, जो बहुत जबरदस्त है बिना सालन की। माशाल्लाह जो लोग डाइट पे हैं माशाल्लाह उनके लिए भी बेस्ट है। माशाल्लाह इसमें सारे माशाल्लाह आजकल सीजन के माशाल्लाह वेजिटेबल्स मौजूद हैं। टमाटर है माशाल्लाह, गाजर है, मूली है माशाल्लाह, हरी प्याज है। अभी स्टार्ट करते हैं आज की मजेदार रेसिपी। हेल्दी किस तरह बनाएं आपके साथ शेयर करेंगे। चलती है रेसिपी स्टार्ट करती हैं। ये मूली अच्छी तरह इसको वॉश कर लें। ये देखिए कितनी फ्रेश फ्रेश है माशाल्लाह। और हमें चाहिए गाजर, और ये खीरा है, कुकुम्बर और टमाटर और हरी प्याज। ये बीट है और ये एक लेमन है। ये देखिए हमारे सैलेड अभी वॉश हो गए हैं। अभी स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। साथ में हमारी कैंची, ये दोनों कैंचीज। पहले ये मूली की ऊपर वाला छिलका उतार दिए। अभी इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। इस तरह लंबा लंबा कटिंग कर ले इसकी। अभी ये देखें, ये इस तरह कट कर ले सब। इसके बाद गाजर को कट कर लेंगे। और ये देखिए हमारी कैटी ब्यूटीफुल माशाल्लाह वाइटी इसका नाम है, ये भी आ गई है सैलेड खाने के लिए। इसमें कुछ भी नहीं है, काली है अभी। वेट करें प्लीज। अभी इसकी कटिंग करेंगे गाजर की। ये देखिए कितनी फ्रेश माशाल्लाह गाजर है। अभी सीजन के लिहाज से इसको ज्यादा से ज्यादा खा लें। ये माशाल्लाह स्किन के लिए, आंखों के लिए, खून के लिए, सबके लिए बेस्ट है। और मूली में बहुत सी बेनिफिट्स हैं, गाजर में भी है। अब इसकी भी सेम वही तरीका है कटिंग करने का। भी काट लिए, अब खीरे की बारी है। अब खीरे को भी इसी तरह, और खीरे के भी बारे में आपको तो पता है इसमें भी बहुत सारे फायदे हैं। ये भी सेहत के लिए बेस्ट है, हेल्थ के लिए। इसको भी इसी तरह कटिंग कर लेंगे जिस तरह गाजर और मूली को कर दिया है। बिना सालन की आप माशाल्लाह इसको रोटी के साथ खा सकती हैं, सफेद चावल के साथ। अब टमाटर को कटिंग कर लेंगे, हरी प्याज को कटिंग करेंगे। अभी इसका भी तो सीजन है, अभी बहुत फ्रेश फ्रेश मार्केट में आ रहे हैं। अब इसके पत्ते डाल दें, क्योंकि इसके पत्ते भी जरूरी है, इसको भी डालने साथ में। अभी बारी आई लेमन की। अगर आपके पास लेमन नहीं हो तो आप सिरका भी ऐड कर सकती हैं। अब इसमें लेमन ऐड कर ली, फ्रेश फ्रेश माशाल्लाह जूस है। और ये है बीट, यकीनन आप जानती होगी ये बीट है माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, ब्यूटीफुल माशाल्लाह। इसके अंदर का कलर तो देखिए माशाल्लाह, अल्लाह ने किस तरह इसको बनाया है, फिर भी अल्लाह की शुक्र हम लोग अदा नहीं करते। देखिए कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। को इसीलिए अलग काट रहे हैं क्योंकि इसके कलर बहुत डार्क है ना, तेज है, इसीलिए इसको अभी अलग कर रहे हैं। बाद में आपको डेकोरेट करके बताएंगे ये किस तरह डाल दें। अभी इसमें ऐड करती है सॉल्ट, हसबे जायका, ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च पाउडर है, दरदरा, ये ऐड कर ली 1 टीस्पून। अभी इसमें ऐड करती है ये सोया सॉस है, इसमें भी 1 टेबल स्पून डाल दी। बहुत माशाल्लाह हेल्थी सैलेड है, आप बनाया करें, खाया करें। अभी सब माशाल्लाह जितने भी बनाए हैं अभी मैंने काटी है, सब की माशाल्लाह सीजन है, सब माशाल्लाह अवेलेबल है। अभी इसको कर ले मिक्स।
ये डाइट के लिए भी जबरदस्त है। जो लोग डाइट पर रहे और रोटी नहीं खा सकती है, उसके लिए भी तो ये बेस्ट है। ये पत्ते भी इसमें डाल दें, इसमें बहुत सारे फायदे हैं पत्तों के अंदर भी। सबसे पहले ये इस तरह इसके पत्ते रख दें, इस तरह पत्ते डाल दिए। इसके बाद इसके अंदर बिल्कुल बीच में ये सैलेड दिए, बीच की जो बीच बीच में जो जगह छोड़ दिए हैं ये इसके अंदर डाल दिया करें। इस तरह ये बीट, खूबसूरत सी बीट है। आई होप आप लोगों को आज की माशाल्लाह सैलेड की हेल्थी रेसिपी पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अब इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।